नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला होगा 12 फरवरी को साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। मैदान होगा न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड और टूर्नामेंट होगा वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का। अब महिला टीम ने कभी भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। हालांकि अभी अभी अंडर 19 वुमेन्स की टीम ने साउथ अफ्रीका में ही भारतीय टीम को खिताब जितवाया था। पूरा हिंदुस्तान जमकर खुश हुआ था, जमकर नाचा था, सड़कों पर जश्न देखने को मिले थे जब वुमेन्स अंडर 19 टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। अब एक बार फिर से टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये होगा सीनियर टीम्स के और पहला ये मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। ये मुकाबला हमेशा से ही हाई वोल्टेज रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब जब आमने सामने हुए हैं तब तब ड्रामा, इमोशंस और क्रिकेट का भरपूर मजा फैंस को देखने को मिला ही है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच 12 फरवरी को यह मुकाबला होगा। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। इस मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो इसमें स्मृति मंधाना शायद बाहर हो सकती हैं क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। चोट कितनी गंभीर है यह तो नहीं पता, लेकिन स्मृति मंधाना पहले टी20 इस मुकाबले से बाहर हो सकती हैं। इसके बाद अगर स्मृति नहीं होती हैं तो कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11 दिखा रहे हैं। शेफाली वर्मा होंगी, जेमिना रोड्रिक्स होंगी, हरलीन देओल होंगी, हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है, इसके अलावा दीप्ति शर्मा शानदार फॉर्म से गुजर रही हैं, पूजा वस्ताकर होंगी, यास्तिक भाटिया होंगी, देविका वैद्य होंगी, राजेश्वरी गायकवाड़ होंगी, स्नेह राणा होंगी और रेणुका सिंह। जितनी शानदार गेंदबाजी इन्होंने करके दिखाई है निश्चित तौर पर भारत के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकती हैं। तो ऐसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11 और वहीं पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी भी महिला टीम में खासकर परेशान करते आए हैं भारतीय टीम को। हालांकि रिकॉर्ड्स शानदार रहे हैं भारतीय टीम के पाकिस्तान के खिलाफ भी, लेकिन अभी तक वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने कोई भी खिताब नहीं जीता है। 2009 से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है, 1 बार इंग्लैंड और 1 बार वेस्ट इंडीज ने भी इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। लेकिन भारतीय टीम ढूंढ रही है वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का अपना पहला टाइटल। क्या इस बार भारतीय महिला टीम पाकिस्तान को हराकर शानदार शुरुआत कर पाएगी? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।